वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि तुलसीदास की 12 रचनाएं कौन सी हैं, ध्यान देंगे। तुलसी दास की कुल 12 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहली रचना रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नेचू, रामाद्या कृष्ण, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, फिर है दोहावली, फिर होगी श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, बारहवीं है गीता वाली। देखिए थोड़ा समय लगा याद करने में। तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? 12 रचना में पहली हमारी रामचरितमानस। ये रचनाएं आगे पीछे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप लोग यूपी बोर्ड आप एग्जाम में बैठेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले रामचरितमानस, फिर जानकी मंगल, फिर पार्वती मंगल, फिर रामलला नेहरू, फिर रामाज्ञा कृष्ण, फिर बरवे रामायण, फिर विनय पत्रिका, फिर कवितावली, फिर दोहावली, फिर श्री कृष्ण गीतावली, फिर वैराग संदीपनी, फिर है गीतावली। आशा करते हैं कि आप लोगों को 12 रचनाएं अच्छी तरह से याद हो गई होगी और इसको याद करके आप लोग जीवन परिचय के साथ याद करें तब बेहतर रहेगा, और अच्छी तरह से कंटेस्ट करें और दूसरे को भी बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक शेयर जितना आप करेंगे, हम अच्छी तरह से अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हिंदी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।